ओके, वेलकम बैक। और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है चार्ट ऑफ अकाउंट इन टैली प्राइम। चार्ट ऑफ अकाउंट हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था लेजर क्रिएशन, अल्ट्रेशन और डिलीट कैसे करते हैं। इसके बाद आज हम देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट इन टैली प्राइम। तो कुछ ऑप्शंस हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के लास्ट सेशन में भी देखे थे। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या काम आता है वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। फर्स्टली क्रिएट मतलब आपको बनाना, अल्टर मतलब आपको चेंज करना या डिलीट करना, चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब आपको जो बनाया है आपने उनको देखना। तो देखना में क्या क्या, आप लेजर देख सकते हैं, ग्रुप देख सकते हैं, वाउचर टाइप देख सकते हैं। तो हमने बनाए क्या थे लास्ट सेशन में, हमने लेजर्स क्रिएट किए थे। तो लेजर क्रिएट किए थे तो आप यहाँ पे लेजर पर जा सकते हैं और लेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था आपको। तो ग्रुप के अंतर्गत, जिस ग्रुप के अंतर्गत लेजर बनाया गया है वहाँ पे वो शो हो रहा है। आप इसको लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो आप लेजर वाइज देख सकते हैं, आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास और यहाँ पे ये सारा काम आप ये देख सकते हैं। अब हम इसका और ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल्स हैं वो भी हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में इधर आपको जो टूल बार दे रखा है उसमें राइट साइड में नीचे नीचे मल्टी मास्टर का एक ऑप्शन दे रखा है आपको। इसका शॉर्टकट की है अल्टर के साथ एच, इसके साथ में शॉर्टकट की भी दे रखा है आपको, दिस इज़ अ मल्टी मास्टर। मल्टी मास्टर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टी क्रिएट मल्टी अल्टर का ऑप्शन भी दिखेगा। मल्टी क्रिएट करते हैं हम लोग, मल्टी क्रिएट मतलब कि अगर मेरे को फिक्स सेट्स के 5-6 लेजर एक साथ बनाने हैं तो मैं अकेले अकेले नहीं बनाऊंगा, मैं एक साथ यहाँ पे बना लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लिया फिक्स सेट्स। तो फिक्स सेट्स में जैसे मैंने कार अकाउंट बना लिया तो फटाफट से क्लिक हो जाएगा, आपने बिल्डिंग बना ली तो वो बन जाएगा, आपने सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, आपने कंप्यूटर बना लिया, एलईडी टीवी बना लिया तो वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। और भी कुछ आप बना देते हैं वो आप यहाँ पे फटाफट से एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो सारे लेजर्स बन के रेडी हो गए हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान देने की है, कई बार हम लोग क्या है बनाते हैं एक्सपेंस ले लेते हैं हम इनडायरेक्ट। हम जैसे कुछ बनाते हैं डोनेशन एक्सपेंस बना लिया हमने, ठीक है, दूसरा हमने बना लिया पेट्रोल एक्सपेंस और फिर हमने एक और बना लिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये हमने तीन लेजर बना लिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको एस्केप करके बाहर नहीं जाना है, यहाँ पे बने नहीं है अभी, आप इसको एंटर दबा के पूरा यहाँ पे लास्ट में आप एक्सेप्ट करेंगे इसको तब जाके ये एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज़ अगर आपने वापस से बैक कर लिया, एस्केप कर लिया तो ये लेज़र आपको शो नहीं होगा, आपके लेज़र में सेव नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, दिस इज़ अ मल्टी मास्टर क्रिएशन और आप इसको चार्ट ऑफ अकाउंट में बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को मास्टर क्रिएशन करना आ गया होगा, लेजर क्रिएट करना आ गया होगा, लेजर को डिलीट करना अल्टर करना आ गया होगा, या फिर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखना कि हम लेजर में क्या क्या बना लिया है हमने वो सब आप यहाँ पे देख चुके, या फिर आप मल्टी क्रिएशन कैसे करना है, मल्टी लेजर से एक साथ कैसे बनाने हैं वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। ओके, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है चार्ट ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि अगले टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि वाउचर क्रिएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो सब आप बना के देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि हम वाउचर जब हम एंट्री करें तो हमको लेजर क्रिएशन में कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, थैंक यू।